गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, इन्हीं पुराने लफ्ज़ों के साथ एक नई क्लास। आज आप देख रहे हैं DLED फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरी क्लास। आपको बता दें, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तीन दिन ये क्लास होती है, सुबह 4:30 बजे से। उसके बाद आप कभी भी इसे देख सकते हो। सुबह 4:30 बजे अगर आप नहीं देख पाते हो 4:30 पर, तो बाद में आप कभी भी देख सकते हैं। तो तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणा की संकल्पना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने प्लेस वैल्यू पढ़ा था, स्थानीय मान पढ़ा था, फेस वैल्यू पढ़ा था, और इसके अलावा जो प्रिंटेड वैल्यू वगैरह ये सब पढ़ा था। मतलब पिछली क्लास में रोमन नंबर भी पढ़ा था, और जो उसके पिछली क्लास थी, सबसे पहली क्लास, उसमें हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम संख्या, भाज्य अभाज्य संख्याएं, परिमेय अपरिमेय संख्याएं, ये सब पहली क्लास में पढ़ा था। तो तीसरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुणा की संकल्पना। आखिर गुणा होता क्या है? जैसे 3 का अगर 2 में गुणा कर दें तो 6 आ जाता है, है ना? आता है ना, इसको हर कोई जानता है। और अगर हम 3 का गुणा कर दें 9 में तो ये 27 आ जाता है। लेकिन ये आता कैसे, इसका कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। DLED का फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि आप मास्टर बनने जा रहे हो, तो आपको एकदम जीरो से सीखना है। देखिए, 3 का 2 में गुणा किया तो 6 आया ना। अगर आप 3 का 3 में जोड़ दो तब भी तो 6 आता है, आया ना, 6 आया ना। 3 का 9 में गुणा किए हो तो 27 आया ना। अगर आप 3 को 9 बार जोड़ो तब भी 27 आएगा, जोड़ करके देख लेना। ये देखो 5 बार हो गया, और ये अब देखो 27 आएगा। 3 × 3 = 6 × 3 = 9 × 3 = 12 × 3 = 15 × 3 = 18 × 3 = 21 × 3 = 27। यहाँ से हम आपको क्या बताने वाले हैं, पता है? बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं। गुणा की परिभाषा निकल रही है यहाँ पर। जब किसी संख्या अथवा अंक को, किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में, नोट करो जल्दी से, क्योंकि वीडियो छोटा होता तो मज़ा नहीं आती ना आप लोगों को, इसलिए बड़ा वीडियो बनाएंगे। जब किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है, तब वो गुणा का रूप लेता है। एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है तो वो गुणा कहलाता है। ये हो गया गुणा का परिभाषा, ठीक ना? देख लो, सिंपल सी बात है। किसी संख्या अथवा अंक को उसी संख्या अथवा अंक में एक या एक से अधिक बार जोड़ दिया जाता है। हमने क्या किया, 3 को 3 में एक ही बार तो जोड़ा था, 3 को 3 में एक बार जोड़ा, 6 आया ना। ये क्या हो गया, गुणा हो गया ना। एक से अधिक बार, 3 को हमने 9 बार जोड़ा, मतलब 3 तो वही संख्या थी ना, इसी 3 को हमने 3 में 9 बार जोड़ा तो 27 आया ना। ये भी तो एक गुणा हो गया, 3 × 9 = 27। बात समझ में आई ना? तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको जल्दी से नोट कर लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गुणा का कॉन्सेप्ट। अब वीडियो को रोकेंगे नहीं, चूँकि वीडियो बड़ा बनाना है ना, बेसिक तरीका हो गया। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे दो अंकों का गुणा करना। दो अंकों का गुणा करना मतलब क्या, ये हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो रोक करके। दो अंकों का गुणा करना आप लोग जानते होंगे, पढ़े भी होंगे, लेकिन उसको हम अपने हिसाब से यहाँ बताएंगे आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से हेडिंग लिखो, दो अंकों का गुणा करना। दो अंकों का गुणा, जैसे 37 का गुणा करना है अगर 35 में, तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट इसको करना है, ठीक है? क्या करना है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से करना है, क्योंकि ये DLED वालों के लिए एकदम सीखने की तरह है ना, एकदम छोटा सा। देखिए, इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, पहले इकाई इकाई अंक का जो है लास्ट वाले का गुणा करते हैं, और फिर दहाई अंक का करते हैं, है ना? तो पहले क्या करोगे, 5 का गुणा कर लो इसमें पूरे में, तो 5 का गुणा 7 में होगा, 5 × 7 = 35 हासिल आया, 3 × 5 = 15 × 3 = 18। ये आपने क्या किया, यहाँ पर लिख लो चाहे तो, इकाई अंक का गुणा करने पर, इकाई अंक का गुणा करने पर, पहले एक सवाल कर देते हैं फिर दूसरा करेंगे, ध्यान से देखना इसको, लिख लो जल्दी से। इकाई के अंक से गुणा करने पर, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का है, इधर देख लो जरा सा, अगर ये लिखा है ना, तो ये इकाई है और ये क्या है, दहाई है,
ठीक है, अगर इसमें कोई और गिनती होती एक तो ये सैकड़ा हो जाता। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। देखना अभी ध्यान से देखना, वीडियो बड़ा हो जाए टेंशन मत लेना, कुछ भी कटे ना पाए। पाँच का गुणा हुआ इसमें, पाँच सत्तर पैंतीस हासिल तीन, पाँच तीन पंद्रह तीन अठारह। यहाँ पर लिख लो इकाई के अंक का गुणा करने पर, अर्थात इकाई के अंक का गुणा मतलब पाँच का गुणा सैंतीस में, यानी कि सैंतीस का गुणा पाँच में, ये हो गया क्लियर। अब क्या करते हैं, लास्ट का जो डिजिट होता है उसके नीचे क्रॉस करके छोड़ देते हैं, रूल होता है। अब थ्री का करेंगे, थ्री से बन जा ट्वेंटी वन, थ्री से बन जा ट्वेंटी वन का वन कैरी आया कितना टू, और थ्री थ्री जा नाइन, नाइन टू इलेवन। इसको आप हिंदी में अगर बोलें तो तीन सत इक्कीस हासिल दो, तीन त्रिका नौ दो ग्यारह। यहाँ पर आप फिर से लिखो दहाई, दहाई के अंक का गुणा करने पर, यानी कि सैंतीस का गुणा किस में, तीन में। अब इसको जोड़ दो, पाँच के नीचे क्रॉस है कुछ नहीं, आठ एक नौ एक, बारह सौ पंचानबे आया। नीचे एक लाइन इसके चाहे तो लिख दो जोड़ने पर, ठीक ना, चूँकि हमें तो सब कुछ लिखना है यहाँ पर ना, जोड़ने पर। तो ये था गुणा का बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सीखा। पहले इकाई का अंक पकड़ते हैं, उसका गुणा करते हैं पूरे में, पाँच का पकड़ के इसमें दोनों में गुणा किया, फिर तीन का किया, फिर जोड़ दिया, ठीक ना। इतना क्लियर है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसी तरह का आपको कुछ सवाल देंगे, उसको आप घर से करके लाएंगे और फिर हम आगे चलेंगे। हो गया नोट, हो गया ना, नोट कर लो। मैं साइड में तब तक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन को लिख लेना आप सभी लोग अपने अपने काम के लिए। ये लो मैं लिख दे रहा हूँ इधर साइड में, और ये रात में यहाँ पर पुलिस वाले पता नहीं कहाँ परेशान हो रहे हैं, मार हूँ पूँ बजाए जा रहे हैं बगल में ही। तो अगला देखना, 39 का 22 में, और ये पाँचवा 48 का 87 में। ये सवाल आप लोग घर से करके लाना, ठीक ना, क्लियर। तो नोट करते चलो साथ साथ में, साथ साथ में लिखते चलो, ये घर से कर लेना। हो गया ना होमवर्क, होमवर्क हो गया ना, करके लेके आना, ज़रूर करना, और जो ना करेगा ना वो गड़बड़ है, जान लो। करना आप सभी लोग 38, ठीक ना, ये होमवर्क हो गया। जल्दी से नोट करो, तुरंत नोट करो, टाइम नहीं लगाना है, बिल्कुल टाइम नहीं गंवाना, बस नोट कर लो फटाफट। हो गया ना, आगे चलें। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे हैं आप। चलिए अब हम लोग करेंगे तीन अंक का गुणा। तीन अंक का गुणा आप लोगों ने सीखा होगा। देखिए एक्चुअली हम करते क्या थे, अभी तक वीडियो को रोक देते थे, तो जो ये उतना ही मैटर आप 10 मिनट में पढ़ लेते थे। लेकिन आप लोग चाहते हो ना कि बड़ा बड़ा वीडियो रहे ना, हमने एनालिसिस किया, बड़ा बड़ा वीडियो आप लोग चाहते हो, तीन अंकों का गुणा, इसलिए हम वीडियो को बीच में रोक नहीं रहे, कहीं पर भी नहीं रोक रहे, सब कुछ आने दो जैसे भी है। तीन अंक का गुणा मतलब जैसे 375 को अभी आपको 271 से गुणा करने को कह दिया जाए, तो आप इसको कैसे करोगे। एक तो ये तीन अंक का गुणा होता है, दूसरा तीन अंक का गुणा ये भी होता है कि 987 गुणा अगर 2 से गुणा कर दो, तीसरा जो होता है 297 गुणा 37 से गुणा कर दो। तो ये तीन अंक के गुणे होते हैं जिसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है हर एक में, ध्यान से देखना। इसमें के जो दो सवाल हैं ना, इनको आप घर से खुद से करके लेके आना, इसको आप दोनों को कर लेना। हम पहला बताएंगे, तीन अंक का गुणा मतलब कि नीचे तीन अंक होना चाहिए। तो क्या करते हैं, पहले इकाई का अंक से गुणा करते हैं पूरे में, फिर दहाई के अंक यानी सेवन से करेंगे, फिर सैकड़ा के अंक से करेंगे। तो वन से करोगे वन फाइव जा फाइव, वन सेवन जा सेवन, वन थ्री जा थ्री, ये काट दो। अब क्या करेंगे, दहाई के अंक से पूरे में गुणा करने पर, सात का गुणा कर लो पाँच में, सात पचे पैंतीस हासिल आया तीन, और सात सता उनचास, उनचास तीन बावन का दो हासिल आया पाँच, और सात एक इक्कीस, इक्कीस पाँच छब्बीस। बात समझ में आई, फिर एक गुणा का चिन्ह, इसमें चाहे तो लिख लो यहाँ पर साइड में, इकाई के अंक का गुणा करने पर, इकाई के अंक का गुणा करने पर, अर्थात वन का गुणा करा गया है कि इसमें
375 में। फिर नीचे क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे दहाई के अंक का गुणा करने पर, दहाई के अंक का गुणा करने पर, यानी कि 375 में 7 का गुणा। ठीक, अब बचा दो, दो है सैकड़ा के अंक पर, 2 × 5 = 10 हासिल आया 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15 = 5 हासिल 1, 2 × 3 = 6 = 7। ठीक ना, अब यहाँ पर आप नीचे लिख लो सैकड़ा के अंक का गुणा करने पर, यानी कि 375 गुणा कितना, 2। ठीक ना, तो कर लो गुणा, हो गया। अब नीचे लिख लो जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर, ये हो गया 5, 7 × 5 = 12 हासिल 1, 3 × 2 = 5 = 6 है ना, 6 × 5 = 11 हासिल 1, 7 × 2 = 9 = 10। देखो आ गया ना 10, 16, 25, बात समझ में आई ना। ये 3 अंक का गुणा करने का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत रात हो चुकी है क्लास रिकॉर्ड करने में, इसलिए अगर कोई गड़बड़ होगा तो बताना कमेंट करके। हमारी कोशिश होती है 100% शुद्ध और सटीक जानकारियाँ देना, लेकिन अगर कहीं भी आपको कुछ भी गड़बड़ लगता है तो आप कमेंट करके उसको ज़रूर बताना। ठीक ना, अब इसको जल्दी से स्क्रीन शॉट लीजिए, तुरंत करिए। हो गया, हो गया, स्क्रीन शॉट लेने में देर मत किया करिए, जैसे कहें तुरंत स्क्रीन शॉट निकाल लिया करिए, चूँकि हम आपके सामने से हट गए होते हैं उस समय और आपको स्क्रीन शॉट लेने के लिए पूरा स्क्रीन खाली दिखा देते हैं कि भाई स्क्रीन शॉट में मेरी फ़ोटो ना आए, है ना, वैसे भी हम शर्माते हैं। तो अब आप लोग 3 अंक वाला होमवर्क लिखो जल्दी से, ये 3 अंक वाला आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट करो तुरंत, ये 3 अंक वाला आपका होमवर्क है, 9, 8, 3 वही नंबर लिख रहे हो यार, बार बार काहे को लिख रहे हो। ठीक है, इसको आप लोग घर से करोगे, ठीक ना, ज़रूरी नहीं कि हम वही लिख दें, ये लो, ठीक ना, 9, 8, 3, 2 × 5 = 1, 1 ये सभी आप लोग करके लेकर के आओगे, ये आपके घर का होमवर्क है। काम करोगे तभी कुछ होने वाला, नहीं करोगे तो कुछ ना होगा, चाहे जब तक करते रहो इसे, करके लाना ऐसे। देखिए यहाँ पर हम आपको कुछ स्पेशल रूल भी क्लियर कर देना चाहते हैं, इसलिए ध्यान से देखना। 0 तथा 1 का गुणा, इसका रूल क्या है, देखिए अगर किसी भी नंबर में 0 का गुणा करेंगे तो फाइनल में 0 आएगा, ठीक ना, अगर 0 का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे हम, चाहे वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, वो क्या होगा, 0 ही आएगा, ये गुणा का रूल होता है। और 1, अगर 1 की बात करें तो 1 का गुणा किसी भी नंबर में करोगे तो क्या आएगा, वही आएगा जो वो रहेगा, ठीक ना, ये होता है 1 और 0 का गुणा। अन्य गुणा के प्रश्न क्या हैं, जैसे आपने देखा होगा 300 का गुणा करना है 12 में, तो क्या करते हैं, इसमें बड़ा लफड़ा होता है, आपको सिंपल में बात क्या करना है, दोनों जीरो उतार लेना है, 12 × 3 में गुणा कर दो, हो गया 36, इस तरह से ये क्या आ गया, 3600 आ गया। ऐसे आप बहुत सारे गुणा को बना सकते हैं, ठीक ना, बात समझ में आ रही ना, तो लिख लो कुछ क्वेश्चन, आप लोग घर से करके लेके आना, ठीक ना। देखिए अभी हम आपको बता दें कि इस समय काफ़ी देर हो चुकी है, इसलिए क्लास जो है बहुत कम अच्छे से हो रही है ना, बाकी आपको बहुत सारी क्लासें मिलती हैं, एकदम बेटर क्वालिटी में मिलेंगी, एकदम अच्छे से मिलेगा और कोई दिक्कत नहीं है। टाइम याद रखिए, 4:00 से आपकी एक क्लास होती है DLED की, दूसरी क्लास 4:30 से, जो लोग नहीं देख पाते हैं वो लोग कृपा करके थोड़ा रुके रहा करें और सुबह हो जाने पर देख लिया करें। अगर फेसबुक चलाते हैं आप तो अब आप फ्री की क्लास पे पढ़ सकते हैं PVR स्टडी की, आपको फेसबुक पर सर्च करना होगा फ्रेंड रिक्वेस्ट, जहां पर ढूंढते हैं PVR स्टडी, जो पेज आएगा उसको लाइक करके फॉलो कर लेना, आप यहां से कंप्लीट क्लास कर पाएंगे घर बैठे। इसके अलावा विजिट करें pvrstudy.com, ठीक ना, यहां भी आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, ऊपर नंबर दिया गया उस नंबर पर संपर्क करिएगा
और जो भी लोग अगली क्लास पढ़ना चाहते हैं वो ज़रूर संपर्क करेंगे, उन्हें अगली क्लास दिया जाएगा, ठीक ना? तो देखना ज़रूर।